अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखूंगी अजमेर की गलियों में, है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रही हूँ। अजमेर में मेरा आज लास्ट दिन है ना। यहाँ से हमारी रवानगी होंगी उंजा शरीफ में, है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे ऐसे कुछ ज़्यादा चीज़ें तो मैंने ली नहीं, जैसे कि थोड़ा मुझे वो बाननी के ग्रेव दिखे वही मैंने ली, और बच्चे लोगों को कलाकंद मिठाई बहुत अच्छी लगी थी तो वही 2 डब्बा मैंने लिए ना। और बाकी मैंने कुछ सामान नहीं लिया क्या। इतर ली मैंने, गुलाब जल ली, और ये ली क्या बोलते हैं केवरा एसेंट, है ना, ये सब मैंने ली। और क्या ली, अगरबत्ती ली, खुशबूदार, ये सब चीज़ें अच्छी मिलती है, वो सब ली यहाँ से मैंने। और ये अजमेर की फेमस लस्सी है, है ना। तो यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं तो लस्सी पीते, पहले भी हम लोग ने पिए थे और अभी भी पिए। तो यहाँ पर मैं घूम रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिल तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था अजमेर की गलियाँ छोड़कर जाने के लिए ना, अजमेर शरीफ को छोड़ के जाने के लिए, मगर क्या करें, हमें जहाँ के हम रहवासी है वहाँ पर हमें जाना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पर अभी अपन किधर गए आसिफ, इत्तर की दुकान में। और ये बहुत ही, इधर पे आपको हर चीज़ ओरिजिनल मिलेगी, प्योर इत्तर मिलेगा, ओरिजिनल अगरबत्ती मिलेगी, ओरिजिनल गुलकंद मिलेगा, और ओरिजिनल आपको जैसे कि गुलाब का पानी होता है ना, जो हम फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, खाने में भी यूज़ कर सकते हैं ना, और आँखों में डालने के लिए भी इधर गुलाब का पानी मिलता था, वो भी सब मैंने यहाँ से ले ली। लेने के बाद मैं फिर जा रही थी अपने लिए दुपट्टा देखने के लिए, क्योंकि बाननी के दुपट्टे यहाँ पे अच्छे मिलते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं मैक्सी पे ज़्यादा करके बाननी के दुपट्टे ओढ़ती हूँ, वो क्या अच्छी तरह से अपना फिट बैठ जाते हैं, इधर उधर सरकते नहीं है। तो वही देखते मुझे यहाँ पर कोई ड्रेस पसंद आ गया, तो पहले मैंने एक ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली, फिर 4 ली, फिर 5 ली, फिर 6 ले ली, है ना। तो अभी क्या रमज़ान भी आने वाला है, और आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो भी देनी है, तो मैं सोची कि चलो 5-6 ग्रेस ले लेती हूँ। आपा हमेशा मैक्सी में ही रहते तो कुछ गर्मी में ग्रेस पहन लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग आ गए हमारे मुजावर के उधर, वहाँ पे हम लोग मुजावर से मिल लिए। हाँ, मिल लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं जियारत करने के लिए। जियारत करने के बाद में डायरेक्ट ही हम रवाना हो जाएंगे। हाँ, क्या रुकेंगे, नहीं दुआ वगैरह मांग के। हाँ, डायरेक्ट ही हमारी रवानगी हो जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे, देखते आगे। किसके, हाँ ऐसे गाड़ी में लाल लाल एकदम मस्त, हाँ बाल देश के लिए कश्मीर कश्मीर सब बाल मुजावर खुद ही फोटो में का सिर्फ तू लगा फिर देखो सिम तू है देखो हाँ ये ना अशरफ मम्मी अशरफ देखो सेम है ना। लेट हो जाएगा, चलो अभी दुआ मांगने में टाइम जाएगा, अभी चल के होटल में जाने का है। आवाज ही नहीं है।
तो चलिए अभी हमारी जियारत हो गई, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे जिधर पे बस स्टैंड है हमारा, जिधर हाँ, पे हमारी बस आने वाली है ना उंजा के लिए, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग मुंबई से अजमेर ट्रेन से आए, अभी अजमेर से उंजा बस से जाएंगे। हाँ और हाँ चलो बस से जाएंगे, तो चलिए यहाँ पर सलाम वगैरह कर लेते हैं, सलाम मिलाम फिर वहाँ से हम निकलते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आ चुके हैं, ये सारा सामान एक तरफ रख के हम लोग के सामने ही सामान के सामने हम लोग आराम से बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बस आने का। और इसके बीच में हम चारों को पांचों को काफ़ी जोरों की भूख लग रही थी ना सिर्फ मैं बोलो अभी हम लोग बैठे हैं गुंजा की बस पकड़ने के लिए, ठंडी बहुत लग रही है, ठंडी है यहाँ पे, रात होती है तो ठंडी लगती है अजमेर में। ये हमारा सामान रखा हुआ है, अम्मी को ठंडी लग रही है। तो चलिए इधर पे हमारी बस आ चुकी है, अभी हम लोग चल रहे बस के अंदर। माशाल्लाह बस देखने में तो बहुत ही अच्छी थी, सारी सहूलियत भी अच्छी थी है ना, बस एक ही चीज अच्छी नहीं थी, क्या सिर्फ जो उसने खाना खाने ढाबे पे रुकाया था वो ढाबा एकदम बेकार था, हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो नीचे की हम लोगों ने सीख लिए थे, मैंने और आपके भाई ने है ना, सिंगल ही लिए थे ना सिर्फ सिंगल, और ऊपर बच्चे लोग ऊपर थे डबल में, आसिफ अशरफ और मेरे जो भाभी का लड़का है वो लोग तीनों जन ऊपर थे और हम लोग नीचे थे। और आराम से सही सलामत हम लोग उधर पे पहुंच गए उंजा शरीफ, मगर बीच में एक जगह पे उन्होंने खाने के लिए रुकाए थे, उधर का खाना इतना बेकार था, इतना ठरकलास था क्या पूछो ही मत है ना, एकदम इंसान दे थोड़ा सा ही दे मगर अच्छा दे ना, कि कोई खाए भी है ना, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उधर की साफ सफाई भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, कि बहुत गंदगी थी उधर पे ना। तो यही वाला ढाबा है वहाँ, यही वाला ढाबा है, मगर उसकी साफ सफाई वगैरह मुझे देखकर बहुत खराब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। बेचारे जो सफर वाले लोग होते हैं वो लोग कहीं पर भी रुक कर खाना खाते हैं ना, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से और अच्छा खाना देना चाहिए, मेरी ये सोच है, सही बात है, क्योंकि उधर भी हम दो पैसा देख कर ही खा रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग उतर गए उंजा, अभी उंजा में अपन कितने बजे पहुंचे आसिफ? सुबह पाँच बजे हम लोग बरोबर पहुंच गए उंजा शरीफ में। तो ये देखिए अभी मैं उतरी हूँ यहाँ पे, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे होटल, और ठंडी बहुत कड़ाके की थी, इधर से लगता गाड़ी जा रही है, मैं आवाज़ दे रही हूँ तो पीछे से गाड़ी की आवाज़ आ ही रहेगी। तो चलिए फिर क्या करी, एक तरफ मैंने सामान रख दी और तुम्हारे भाई ने अच्छी तरह से होटल ढूंढ के आखिर में एक होटल मिल ही गई है ना। तो चलिए अभी हम लोग आ गए होटल में, अभी थोड़ा हम लोग आराम करेंगे, थोड़ा सो जाएंगे, फिर मैं आपको मिलूंगी सुबह में। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम, अजान होने वाली थी ना, अजान होने वाली थी, और ये दरगाह के सामने, हाँ खिड़की में से दरगाह दिखती है, नजर आती है, हाँ। तो चलिए अभी तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर सुबह मिलते हैं हम लोग है ना। तो ये है होटल है ना, हाँ। तो चलिए अभी सो जाते हैं, फिर सुबह मिलते हैं। तो चलिए अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम लोग जैसे कि सुबह 5 बजे हम लोग आए, आने के साथ में हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए और सो गए ना, सोने के बाद में हम लोग 1 बजे उठे, अभी नहाए धोए, अभी जा रहे हैं हम लोग कुछ खा लेते हैं पहले है ना, कुछ खा लेंगे, खाने के बाद में उसके बाद में हम लोग दरगाह में जाएंगे। अभी तो इधर के जो हमारे मुजावर है, इधर के मुजावर का नाम क्या है, हाजी रफीउद्दीन हमारे मुजावर का नाम है, तो वो जैसे कि 4 बजे तक आएंगे, जब तक हम लोग दरगाह में आराम से बैठते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ में पहले कुछ नाश्ता खा लेंगे, उसके बाद दरगाह में जाते हैं। तो चलिए
चलिए अभी हम लोग खाना खाने आ गए हैं। तो खाना खाने हम किधर आए पता है? हम लोग आए मतलब सुबह का नाश्ता भी था और हाँ, दोपहर का खाना भी था। खाना भी था, दोनों हम लोगों ने साथ में ही कर लिए ना। तो काफी लेट उठे ना, एक क्या दो बजे तो उठे थे, दो बजे उठे, अभी तीन चार बज गए, तीन चार बजे। और ये है साहिल होटल, जहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। और सबसे पहली बात बात क्या, इधर की साफ सफाई बहुत ही अच्छी है, बहुत नीट एंड क्लीन है ना। तो चलिए यहाँ पर खाना भी टेस्टी था, हम लोग ने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया। फिर यहाँ से हम लोग निकले दरगाह पे जाने के लिए है ना। तो यहाँ पर थोड़ा बाहर आके खड़े, तो आप कभी भी आएंगे ना उंजल शरीफ तो साहिल होटल का ही खाना खाना। तो चलिए ये है सामने दरगाह का मेन गेट। आज मैं मेन गेट के दरवाजे से ही जाऊंगी, इसके और एक दरवाजे भी है, और एक दो दरवाजे भी है ना पीछे तरफ से, पीछे तरफ से, मगर हम सामने की तरफ से आज जाएंगे क्योंकि आप लोगों को भी मेन गेट दिखाना है ना मुझे। तो चलिए आइए हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के साथ में सबसे पहले हम वजू कर लेंगे है ना। वजू करने के बाद में हम जाएंगे हमारे मुजावर से मिलेंगे, फिर हमारे मुजावर ही हमें घोड़े वगैरह उतारेंगे, उसके बाद में हमें दरगाह में लेके जाएंगे जियारत करने के लिए। और आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखनी है कि कैसे घोड़े उतारे जाते हैं, कैसे लोबान होता है, और नगाड़ा होता है मगरिब का। अगर आपको ये सब देखना है तो आपको अगली वीडियो में सब देखने मिल जाएगा अच्छी तरीके से है ना। और हर चीज़ की आपको मालूमात भी मैं उसी वीडियो में करा दूंगी है ना। तो चलिए अभी आप लोग लोबान का टाइम, लोबान का टाइम हो गया, मैं इधर खड़ी हूँ आराम से दुआ मांग रही हूँ। इस तरह से घोड़े उतारते, हाँ इस तरह से घोड़े उतारते, आपको प्रॉपर देखना है किस तरह से घोड़े उतारते है। हाँ। तो वो आपको अगले वीडियो में देखने मिल जाएगा। अच्छा ये जो बैठे है ना ये हमारे मुजावर है, हमारे खादी में, खादी में इनका नाम है हाजी रफी, हाजी रफीउद्दीन। थोड़ा सा खाली डाल आगे बंद कर लेना। अकेले लेके घूम रहा है कि दो आदमी लगते हैं इसको है? जब से अकेले ही घूम रहा है लेके, हाँ इसका ये हैवी हो जाती है ना, दरगाह में से जैसे निकलते हैं पूरे